नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्वयं पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को एनसीईआरटी का 1.1 का सॉल्यूशन मिल चुका है और उसी क्रम में आज हम लोग बढ़ेंगे वास्तविक संख्या का दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। और जो दूसरा एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का नाम है 1.2 का टॉपिक है। मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से समझो। 1.2 का जो टॉपिक हम लोग ऑडियोबल करते हैं तो सबसे पहले आपको जानना है अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। जब हम किसी संख्या को अभाज्य संख्या में, जैसा कि मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन वीडियो में जब चैप्टर में पढ़ा रहा था तब मैं आपको समझाया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिस संख्या का गुणज या तो वह खुद हो, मतलब एक हो, या आप लोग ऐसे याद करते हो कि वैसी संख्या जिसमें एक से भाग लगे या नहीं तो खुद स्वयं से कट जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड अगर टॉपिक होता है तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता ही है कि अगर किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग आज प्रश्नावली करेंगे एनसीईआरटी का 1.2। और 1.2 में प्रश्नावली में पहला नंबर सवाल जो कहता है एनसीईआरटी का, बाबू ध्यान सुनना, वो कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है और क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर में कहता है 140। अब 140 को अभाज्य गुणनखंड में करना है तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे करेंगे उसको जरा समझिए। जैसे 2 से लगाते हैं तो कितना बार में आएगा, 70 बार में लगाएगा। 2 से लगाएंगे तो 35 बार में आएगा और 5 से लगाएंगे तो 7 बार में आएगा। 7 से लगा दिए तो 7 बार में 1 टाइम्स आ जाएंगे, यानी 140 इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7 × 1। इसको और शॉर्ट करना चाहो तो 2 कितना बार है, 2 बार, इसलिए 2 का पावर 2, 5 × 7 × 1 लिख दिए। 1 भी अपने आप में एक संख्या, आप उसको लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तुम देखते हो 2, 5 और 7 ये तीनों कौन सी संख्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में गुणा के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पहला सवाल के बाद इसी का हम दूसरा सवाल लेते हैं जिसका डिजिट है 156। 2 से लगाइएगा तो 2 × 7 = 54, 1 × 2 = 16, 2 × 2 = 6, 2 × 9 = 18, 3 × 13 = 13 टाइम्स और 13 × 1 = 1 टाइम। एन इसको लिख सकते हैं तो 156 बराबर लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। 2 कितना बार है बाबू, 2 बार, इसलिए समीर दिए, 3 × 3 = क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब बात हम इसके तीसरे क्वेश्चन की करते हैं तो तीसरे क्वेश्चन में आता है 3825। इसके लिए आपको विभाता का नियम याद रखना चाहिए। विभाता का नियम याद रहने से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन खैर मुद्दा वो नहीं है, समझना है अभी तत्काल। अभी तो 5 × 2 = 7, 8 × 15 = 3 = 18, 3 से लगाने जाएंगे तो लग जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 21, 3 × 5 = 15, 2 × 1 = 3, 7 × 10 = 5, 15 3 से लगना है, 3 × 6 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब तो ये 3 से नहीं लगने वाला, तो 5 से लगेंगे, 5 × 8 = 40 और 5 × 25 = 25, 5 × 8 = 40 और 2 बचता है रिमाइंडर और इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 × 25, फिर 5 से करेंगे तो 17 टाइम्स और 17 से 1 बार में करेंगे तो 17 आएगा। यानी अगर हम इसको अरेंज करें तो 38/25 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17 × 1। इसको और शॉर्ट नाइट करोगे तो 3 कितने बार लिखे हो, 2 बार लिखे हो, 5 कितने बार लिखे हो, 2 बार लिखे हो, 17 कितने बार लिखे हो, 1 टाइम्स लिखे हो, इससे आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। लेकिन मैं आपसे वादा किया था कि मैं सारे आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, इसीलिए आप इसको नोट कीजिए और फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़िएगा, फिर अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज कर करके नोट कीजिए, समझिए, फिर आगे की ओर बढ़िए, क्योंकि एक वीडियो देखने में आपको ज़्यादा समय लग सकता है, हमें बनाने में बहुत कम समय लगता है। खैर जो भी हो 5005 है, तो इसको जब हम लोग 5 से लगाने जाएंगे तो 5 से अगर मैं लगाने जाता हूँ तो 5105051 क्लियर हो गया। इसके बाद जब हम लोग उसको 11 से लगाने जाते हैं तो 11 × 9 = 91 और 1 × 11 = 11। उससे पहले हम लोग 7 से लगा लेते हैं तो 7 से लगाएंगे तो 7 × 1 = 7, 3 बचेगा, 7 × 2 = 28 और यहाँ
11 से लगाएंगे तो 13 बार में आ जाता है, 13 से लगाऊंगे तो 1 बार में। इस प्रकार 5000 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 अगुने 13 अगुने क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे भी कि ये वाला डिजिट में इससे कैसे भाग देते हैं। तो आपको क्या करना है, भाग आता है ना डिवाइड, उसको पीछे में रफ में जाकर के आप डिवाइड करोगे, अन्यथा आप विभाजकता का नियम अगर याद करते हो तो आप उससे कंठस्था कर सकते हो। 5 और 5 के बाद अगला जो डिजिट है वो पांचवा नंबर डिजिट, वो कहता है 7429 का जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा डिजिट से लगा लें ताकि दिक्कत नहीं हो, अन्यथा ये 17 से भी लग सकता है। 17 से अगर हम लगाते हैं तो 17 चुका 68 आ जाएगा, और 67 + 4 = 17 + 1 = 137 आएंगे। फिर इसको अगर 19 से लगाएंगे तो आ जाएगा 23 से लगाएंगे तो 1 टाइम्स आएगा, यानी 7429 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 17 × 19 × 23, और ये आपका क्या मिल जाएगा, डिजिट मिल जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बाबू क्वेश्चन नंबर किसके तरफ चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुआ, ले लिए, चलिए 1 के बाद हम लोग किसके तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला आपको पढ़ना चाहिए। अब अपनी किताब में देखोगे, मैं अपने बुक में देख रहा हूँ क्योंकि मैं मोबाइल का क्वेश्चन का PDF में डाउनलोड किया हूँ, तो जब मैं क्वेश्चन को डेडिकेट करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में से LCM एवं HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांचिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुने HCF होता है। क्वेश्चन बड़ी ईजी है, सिर्फ आपको पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट समझने हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। बहुत बड़े समझना है HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बाबू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है HCF। फिर हम लोग को पढ़ना है LCM, क्या पढ़ना है LCM, LCM का शॉर्ट फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं वो LCM HCF में थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग का जो बेस है ना लेवल, वो सिर्फ 8वां से 9वां में 9वां से 10वां में चले, मतलब उस लाइक का नहीं पढ़ पाए जिस लाइक का उनको पढ़ना चाहिए। तो उनके लिए ये चीज़ है जो आप बड़ी अच्छे से समझिएगा, बड़ी बारीकी से जो आपको समझना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट बात है कि HCF को ही हम लोग कहते हैं मौसा या महत्तम समावर्तक, और LCM को ही कहते हैं हम लोग लघुत्तम या लघुत्तम समावर्तक। एक फार्मूला इससे आता है, कहता है कि HCF into LCM इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हिंदी में बोले तो मौसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को इसी पर डिग्रेबल करेंगे और इसी फार्मूले पे इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में कहा है उस कंसेप्ट को समझिए। आपको यहाँ पे मेथड नहीं दिया कि किस मेथड से LCM HCF निकालने हैं, डायरेक्ट बोला है आपको LCM HCF ज्ञात करें और जांच करके बताएं कि ये जो रिलेशन है वो सही होता है या नहीं। तो मैं रिलेशन ज़रूर बता दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इनके क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर मैं खड़ा उतरूं। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल कहता है, जरा ध्यान से देखो, जरा प्यार से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है कि नंबर 1 में 26 और 91। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LCM HCF निकालने के लिए इसका फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर तो 13 × 1 = 13। 91 का निकालेंगे तो कितना होगा, 7 से 73 से 91 13 से 1 times। ध्यान सुनना, अगर हमको निकालना है मौसा या निकालना है, मौसा को ही बोलते हैं बाबू दूसरा नाम क्या, HCF। तो अगर आपको मौसा निकालने हैं और अगर आपको HCF निकालने हैं तो आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा ना उस संख्या को गुना के रूप में लिखो, जैसे 2 × 13 × 1, और 91 है तो 91 को भी क्या लिखोगे, 7 × 13 × 1 लिख दिए। हमको निकालना क्या है, मौसा निकालना है, क्या निकालना है, मौसा।
तो मसला निकालने का एक फंडा है जो आपको मैं पहले बताया बाबू कि दिए गए संख्याओं को जो दोनों में मिलता है, जितने डिजिट से दोनों में क्या करेगा मिलेगा, तो जो मिलेगा उसको क्या करेंगे हम बाहर की ओर निकाल लेंगे, आपको क्या देगा मसला। जैसे आप देख रहे क्लियरली दोनों में क्या मिला है, 13 मिला है, दोनों में क्या मिला 1 मिला, यानी कुल मिला के देखें तो आपको 13 क्या मिलेगा मसला के रूप में मिलेगा। जब बात हम लोग लसा की करते हैं तो लसा में कहता है जो मिला है सो तो मैं लिखूंगा ही और जो बच जाता है उसको मैं मल्टीप्लाई के रूप में लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2, एग्जांपल 4, 7, तो 13 दुना 26 और 26 सते कितना होता है 6 सते 42 के, 26 में 7 से गुना करेंगे तो 6 सते 42 के 2 हासिल 1, 7 दुना 14 2 18, 182 आ जाएंगे इसके क्या एलसीएम। हमने एलसीएम निकाल, अब हम लोग को करना क्या है जाँच। जाँच में क्या करेंगे, जांच में कोरोना वायरस तो है नहीं कि दूसरा तरह की ऐसा जांच करेंगे। फार्मूला मैं आपको बताया, वो फार्मूला क्या है मसा गुने लसा मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या और गुने कौन संख्या बाबू दूसरी संख्या। तो मसा का वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो 13 लेंगे और लसा का वैल्यू कितना लेंगे 182। जब पहली संख्या का बात करेंगे तो कितना होगा 26 और दूसरी संख्या का वैल्यू कितना होगा 91। इस दोनों को जब गुना कराइएगा तो आएगा 2366 और 91 6 9 6 15 9 2 18 18 5 2366, ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा 2366 आ जाएगा। यानी आप क्लियरली क्या देखते हो कि मसा गुने लसा जब करते हैं तो इधर का जो वैल्यू आता है तो उतना ही वैल्यू उधर के आ जाता है। तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्रीपुर। और हाँ, हर बार हम एक ही बात नहीं कहेंगे, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप कम से कम ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य जरूर निर्वहन करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।